ये वीडियो साइंस क्लास 8 का चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, तो यहाँ पर यह बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो दोनों तरीके से इसको हम लोगों को पढ़ना है। फ्रेंड मतलब हो गया दोस्त और फो मतलब क्या हो गया शत्रु, तो दोनों प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों को पढ़ना है। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर दीज There are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. तो हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल को हम लोग अनएडेड आई से देख सकते हैं, मतलब बिना माइक्रोस्कोप का, बिना मैग्नीफाइंग ग्लासेस के उपयोग के हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम लोग नंगे आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। मतलब उनको देखने के लिए या तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको माइक्रोस्कोप का जरूरी पड़ेगा। बिना माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस के आप उनको नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। That cannot be seen through naked eye, जिनको हम लोग naked eye से नहीं देख पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसको यही बताया गया है। For example, you might have observed that during rainy season, moist bread get spoiled and its surface get covered with greyish white patches. तो आपने देखा होगा, you might have observed that during rainy season, बरसात के दिनों में या बिना बरसात के भी बहुत बार आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है उसमें क्या हो सकता है, फफूंदी लग जाता है, फंगस लग जाता है। या आपने सुना भी होगा कि ब्रेड क्या हो गया, खराब हो गया, बासी हो गया, फफूंदी लग गया। तो ब्रेड के ऊपर आप क्या देखेंगे कि वाइट पैचेस देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेइश वाइट पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रेड के ऊपर आपको कैसा पैचेस देखने को मिल रहा है, ग्रेइश वाइट पैचेस को देखने को मिल रहा है, जो क्यों हो रहा है, ये फंगस के कारण हो रहा है, यानी कि वहां पर फंजाई ग्रो करता है और उस कारण से ये ग्रेइश वाइट पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इन ग्रेइश वाइट पैचेस को आप ऊपर से तो ये ग्रेइश वाइट पैचेस दिखेंगे, लेकिन यदि आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहां पर सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करके ही आप उनको देख सकते हैं। तो यहां पर आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो वहां पर टाइनी मतलब छोटा, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर, तो आप तो ये नहीं जानते कि क्या है, लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, जिसमें क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। और वही स्पोर जब आपका एक ब्रेड खराब होगा, तो वहां मान लीजिए 10 ब्रेड के स्लाइस रखे हुए हैं, तो सभी खराब होंगे, क्योंकि वह एक जगह नहीं रहेगा, वहां से दूसरे जगह चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से स्पोरेंजियम में जो स्पोर रहेगा, वह स्पोर सिर्फ वहीं नहीं रहेगा। तो सबसे पहला है कि वह वहां आया कैसे, तो वो हवा के द्वारा आ सकता है। अभी भी हमारे हाथों में बहुत सारे स्पोर्स हो सकते हैं जिनको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यही जो स्पोर है, जिनको हम लोग बोलते हैं टाइनी स्पोर, छोटे स्पोर, वही जब जर्मिनेट करेंगे तो भोजन को क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, खराब कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये स्पॉइल्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्पॉइल मतलब क्या हो गया, स्पॉइल मतलब उसको खराब कर देना। भोजन आपका क्या हो जाएगा, भोजन खाने योग्य नहीं रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद पैचेस यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि उस फंगस के कारण हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर बोला गया है कि कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल आपको लेना है फ्रॉम फील्ड इन अ बीकर, एक बीकर में लेना है, उसमें पानी डाल दीजिए, फिर उस सॉइल पार्टिकल को बैठने दीजिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ जो पानी है उसका कुछ ड्रॉप्स, यदि आप उसको अच्छा से निरीक्षण करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, ठीक इसी तरीके से फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर आपको लेना है पॉन्ड से, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, तो आपको माइक्रोस्कोप से देखना है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वर्ड टाइनी हमेशा याद रखना है, टाइनी मतलब बहुत छोटा हो गया। तो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, जिसको हम लोग अनएडेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। दिस ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, तो आप देखेंगे वाटर है और जो हम लोग का सॉइल है वो फुल ऑफ क्या होता है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं।
दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, तो सभी को माइक्रोब्स के कैटेगरी में हम लोग नहीं रख सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ द अनएडेड आई। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ फंगस हैं, जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देख सकते हैं। तो ये फंगस जो बताया जा रहा है, जो फफूंदी लग जा रहा है, आपका अचार सड़ जा रहा है, आपका ब्रेड सड़ जा रहा है, कभी कभी जूता में लग जा रहा है, तो ये हम लोगों के लिए क्या है, फो है, फ्रेंड नहीं है। जबकि यदि हम लोग फंजाई का बात करेंगे और अदर फंजाई का, तो जो आप मशरूम खाते हैं वह भी एक फंजाई होता है, जिसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। और ये क्या होता है, ये नेकेड आई से हम लोग देख भी सकते हैं, तो ये बड़ा होता है और इसको हम लोग खाते भी हैं, तो वो क्या हो गया, फ्रेंड हो गया। तो यही हम लोगों का चैप्टर भी है कि यहाँ पर जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हम लोगों के लिए फ्रेंड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, फो होते हैं। तो आप देख सकते हैं द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि जो ब्रेड है वो जो स्पॉइल हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था, तो आंसर आपको लिख देना है फंगस के कारण वो स्पॉइल हो रहा था। और उसमें जो वाइट कलर का या ग्रेइश वाइट कलर का जो एक पैचेस बन रहे थे, किसके कारण बन रहे थे, तो फंगस के कारण बन रहे थे। उसको कैसे देखा जा सकता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो जिसको हम लोग माइक्रोब एक्चुअली में कह रहे हैं, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। तो इनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, मतलब ये माइक्रो साइज के हैं। माइक्रो क्या होता है आप जानते हैं, 10^-6 मीटर होता है माइक्रो। नैनो इसी प्रकार से आप जानते हैं, 10^-9 मीटर होता है नैनो। तो यहाँ पर माइक्रो साइज के मतलब 10^-6 मीटर से छोटे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स। तो फोर मेजर ग्रुप्स में आपको पढ़ लेना है, दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम अल्गी। तो यहाँ पर चार ग्रुप आपको पढ़ना है। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द फोर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, जो कि क्लास 8 में इस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है, आगे कुछ अलग प्रकार से आप पढ़ेंगे, तो क्या हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। एकदम आपको याद कर लेना है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और अल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर शोन इन फिगर 2.1 and 2.4। तो यहां पर कुछ दिखाया गया है आगे आपको फिगर में, तो यहां देख सकते हैं ये बैक्टीरिया को दिखाया गया है, स्पाइरल बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है। अल्गी को दिखाया गया है यहाँ पर, यहाँ प्रोटोजोआ को दिखाया गया है, फंजाई को दिखाया गया है। तो ये सब देखिए, यही है ब्रेड मॉल्ड, जिसको मैंने बताया, यही जो ब्रेड मॉल्ड है वो आपके ब्रेड पर पाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यदि आप वहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लासेस को देखेंगे। तो इस पर हम लोग आ रहे हैं अभी तुरंत, पहले हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन फिगर। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेज। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक को हम लोग देखते हैं। तो वायरसेस के बारे में यदि बोला जाए, तो क्या वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वायरसेस हैं, वायरसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह यूं ही पड़े रहेंगे, लेकिन जब उनको रिप्रोडक्शन करना होगा, यानी कि अपना संख्या बढ़ाना होगा, तो वायरसेस स्वयं से अपना संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, वायरसेस जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना संख्या बढ़ा सकते हैं,
जैसे बैक्टीरिया हो गया उसमें रिप्रोडक्शन होगा, फंजाई हो गया उसमें रिप्रोडक्शन हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अल्गी हो गया, उसमें अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्शन होगा जिससे वो अपनी संख्या को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन वायरसेस अपने आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये पहला क्वेश्चन हो गया। यदि पूछा जाए कि क्या वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बोलेंगे कि वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का माना गया है, मतलब वो स्वयं से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो वायरसेस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपना संख्या कैसे बढ़ाते हैं, तो वायरसेस क्या करते हैं, किसी दूसरे सेल पर अटैक करते हैं और वहाँ का जो सेलुलर एपरेटस है, वहाँ का जो जो मैकेनिज्म है उसको उपयोग करके वे अपने संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यही आप यहाँ पर देख सकते हैं, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो वायरस जिस पर अटैक करते हैं उसी के सेल के मैकेनिज्म को यूज करके ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये हो गया होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहां से आप सोचेंगे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वायरस जिस ऑर्गेनिज्म पर अटैक कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि क्या वायरस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो वायरस कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या आंसर कर सकते हैं, वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म आपको यहां पर याद करना है। तो अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन है कि राइट डाउन सम नेम ऑफ सम होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर विच में भी बैक्टीरिया, मतलब वायरस बैक्टीरियम पर हमला कर सकता है। ये बैक्टीरियम और बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हो गया प्लूरल और बैक्टीरियम अम मतलब क्या हो गया, सिंगुलर। ये सब आपको समझना चाहिए। तो वायरस किस पे अटैक करेगा, बैक्टीरिया पे अटैक कर सकता है, प्लांट पर अटैक कर सकता है, एनिमल पर अटैक कर सकता है। तो जब वो अटैक करेगा, उसके सेल में प्रवेश करेगा, तो अपना संख्या क्या करेगा, बढ़ाएगा। इस प्रकार से उसको फिर हम लोग लिविंग भी मान सकते हैं। तो बहुत सारे इसके पक्ष में दिए जाते हैं, बातें बताई जाती हैं कि वायरस को लिविंग माना जाए या फिर नॉन लिविंग माना जाए। तो बहुत सारे ऐसी बातें उसमें लिखनी पड़ती हैं कि वायरस को हम लोग नॉन लिविंग क्यों माने या फिर वायरसेस को हम लोग लिविंग क्यों माने। तो इतना आप लोगों को तो समझना नहीं है, बस जितनी बातें बताई जा रही हैं आप उतना समझते ही। तो दो क्वेश्चन आपने समझ लिया, वायरसेस के लिए होस्ट क्या क्या है, तो ये हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट और एनिमल हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेज आर सोन, तो कुछ दिखाया गया है। अब आप यहाँ से एकदम VVI क्वेश्चन है जो कि आपको क्लास 8 से लेके 9 से लेके 11, 12 मतलब आप कभी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देते हैं हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। क्योंकि कुछ जो डिजीज होते हैं वो वायरस के द्वारा होते हैं और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको याद कर लेना चाहिए कि जो कॉमन एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया, बीमारी बोल रहा है, जैसे कि कोल्ड हो गया, कोल्ड मतलब सर्दी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एंड मोस्ट कफ्स एंड आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो यहाँ तो कौन कौन से नाम बता दिए गए, कोल्ड बताया गया, इन्फ्लुएंजा बताया गया और कफ, तो ये किसके द्वारा होता है, वायरसेस के द्वारा होता है, तो एकदम आपको रट लेना है। इसके बाद पोलियो, चिकन पॉक्स भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो यहाँ 5 डिजीज का नाम बताया गया। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial disease. तो बस आपको एकदम रटते जाना है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन डिजीज हो रहा है, तो डिसेंट्री हो रहा है और मलेरिया हो रहा है। तो यहाँ पर आप पीछे में क्वेश्चंस देखेंगे उसमें मैच कराने को ही देगा आपको, तो बोलेगा कि प्रोटोजोआ से क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, एक क्वेश्चन है भी आपका, तो प्रोटोजोआ से क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। जबकि ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग टीबी कहेंगे, और टाइफाइड किसके द्वारा होगा, वह बैक्टीरिया के द्वारा हो, तो टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस ये सब भी बीमारी का नाम है जो कि किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। You have learnt about some of these microorganisms in class 6 and 7. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक्टीरिया को दिखाया गया, जैसे मैंने बताया, ये देखिए प्रोटोजोआ को दिखाया गया है। तो अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ है, एल्गी को दिखाया गया, ये देखिए क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा,
फिर ब्रेड मॉल्ड जिसका हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन किया था, फिर आप देख सकते हैं फंजाई, ये सब क्या है, फंजाई हैं, पेनिसिलियम है, स्पर्जिलस है, ये सब क्या है, ये सब है फंजाई। तो फंजाई आपको याद कर लेना है। ये देखिए यही वायरस को दिखाया गया है, वायरसेस देख सकते हैं यहां पर। तो वायरसेस बेसिकली सेल नहीं होते, जैसे बैक्टीरिया क्या है, सेल है, वायरसेस सेल नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटीन हो सकता है और क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है वायरसेस में, बस इतना ही, वो सेल नहीं होते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट को खोलिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं, आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।